हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्विट रिलेटेड दो अपडेट दूंगा। एक बहुत ही बुरी अपडेट है एंड एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो अगर आप लोगों का मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे को कॉमेंट में जरूर पूछिए। तो गाइज, जैसे आप सभी को पता है, क्विट में फिलहाल चेकिंग बहुत ज्यादा चल रहा है। क्विट रेसिडेंसी कानून को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। जितने सारे लोग रेसिडेंसी कानून को उल्लंघन कर रहे हैं उन सभी लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो अभी आप लोग सोचेंगे रेसिडेंसी कानून क्या होता है, तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो लोग क्वेट में आते हैं क्वेटी का घर पे काम करने के लिए, लेकिन आके बाहर में काम करते हैं, उन सभी लोगों को पकड़ा जा रहा है। इवन उनके पास वैलिड एकामा है फिर भी उनको पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो क्वेट लॉ का रूल का खिलाफ है, क्वेट का जो लॉ है उसका खिलाफ है। अगर आप लोग काम पे आए घर में तो आप लोग को घर का काम ही करना है, आप बाहर में जाके किसी और काम नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो नॉट ओनली घर, अगर आप लोग किसी भी कंपनी का वीजा खरीद के आ गए कुवैत में, आके पहले कुछ ऐसा होता था, खरीद के वीजा आ गए आप कुवैत में, आके आप किसी और जगह में काम कर रहे हो, अपना खुद का जॉब ढूंढ के निकाल के आप कर रहे हो, ऐसे भी अगर काम आप लोग कुवैत में करते हैं तो उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। यानी कुवैत में अगर आप लोग हो तो आप लोग जो भी कंपनी में अगर आप लोग काम कर रहे हो, कंपनी का जिस कंपनी का आपका वीजा है उसी कंपनी में ही आपको काम करना है। आपका वीजा एक कंपनी का है, आप दूसरे जगह में काम नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो लोग घर पे आते हैं उनको बस घर का काम ही करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीजा खरीद के आ जाते हैं घर का, लेकिन आके काम करते हैं बाहर में, लेकिन उनका एकामा घर पे लगा हुआ है, उनके पास वैलिड सिविल आईडी है, लेकिन ये लीगल नहीं है, इसलिए ये लोग को पकड़ा जा रहा है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया क्वेट रिलेटेड दो अपडेट दूंगा, एक बहुत ही बुरी है एक बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले जो बुरी खबर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेट में जो भी प्रवासी यानी जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, नॉट ओनली इंडिया यानी बाहर का, जितने सारे कंट्रीज का लोग क्वेट में गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, इंडिया हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या किसी भी और कंट्री का हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि उनको धीरे धीरे करके निकाला जाएगा। उनके रिप्लेस में जो क्वेट नेशनलिटी का आदमी है उनको ये जॉब दिया जाएगा। तो जितने सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका जब भी एकामा खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिन्यू नहीं होगा, धीरे धीरे एकामा खत्म होते रहेगा, वो लोग निकालते रहेंगे। ये बहुत ही बुरी खबर है जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अच्छा खबर का। जो अच्छा खबर है ये बहुत लोगों के लिए अच्छा है। जैसे बहुत सारे लोग क्वेट में है, जो क्वेट में आए थे वीजा लेके, उनका जो कंपनी है वो कंपनी क्लोज हो गया, या कुछ फेक कंपनियां तक क्वेट में जो वीजा देता था क्वेट आने के लिए, उन कंपनी का लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। उन लोगों के लिए बहुत ही परेशानी हो गया था, क्योंकि उनका जो एकामा है वो कभी भी रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि उनका कंपनी बंद हो गया, नहीं तो फेक कंपनी था, वो कंपनी का लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। तो उनके लिए क्या सिस्टम था, जब भी उनका एकामा है जब तक, तब तक के लिए वो क्वेट में रह सकते हैं, एकामा खत्म होने का टाइम वो लोग निकाल के जाएंगे, क्योंकि उनका एकामा रिन्यू नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा खबर आ गया है। इसमें यह कहा गया है कि जितने सारे लोगों का ऐसे केसेस है जिनका कंपनी कैंसिल हो गया या कंपनी फेक था, उसका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया या कंपनी बंद हो गया, तो उनका कोई गलती नहीं था, उनका कुछ भी गलती नहीं था, लेकिन उनका कंपनी का गलती की वजह से उनका फाइल क्लोज हो गया। तो ये लोगों के लिए अच्छा खबर जो है, इसमें यह कहा गया है कि उनका जो एकामा है वो रिन्यू कर सकते हैं, कोई भी अच्छा कंपनी देख के वो अपना एकामा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है उन लोगों को। तो जितने सारे लोग ऐसे हैं कुवैत में, उन लोगों को अपना एकामा को ट्रांसफर करा लेना चाहिए। ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है जो मौका अभी मिला है। तो जितने सारे लोग आप लोग ऐसे हो कुवैत में, तो आप लोग अपना एकामा को ट्रांसफर करा लीजिए, आपका जितना भी टेंशन था वो पूरा खत्म हो गया है, अभी आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में ही बताया है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड ऑल्सो मेरे साथ बात करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम के मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।